नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। कोरोना महामारी के बीच भारत में जल्द ही कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन का कार्य शुरू होने वाला है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने आपातकालीन उपयोग के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत के लिए एक्स्ट्राजेनिका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का निर्माण कर रही है। DCGI से कोविशील्ड को मंजूरी मिलने के बाद कंपनी के CEO अदार पुनावाला और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन दिनों चर्चा में है। कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण कर रही अदार पुनावाला की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। द टाइम्स के मुताबिक यह कंपनी करीब 100 एकड़ में फैली हुई है। यह कंपनी हर साल पोलियो, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और डिप्थीरिया जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए लगभग 1.5 बिलियन वैक्सीन डोज बनाती है। इसी वजह से अदार पुनावाला के पिता साइरस पुनावाला को दुनिया का वैक्सीन किंग भी कहा जाता है। उनके 39 वर्षीय बेटे को वैक्सीन प्रिंस कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पुनावाला के वैक्सीन किंग बनने के सफर के बारे में। दुनिया भर में तमाम बीमारियों की वैक्सीन सप्लाई करने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की शुरुआत की भी कहानी कम रोचक नहीं है। अदार पुनावाला का परिवार पुना, जिसे अब पुणे कहा जाता है, यहाँ के बड़े जमींदारों में से एक था और वे ठीक ठाक जमीन के मालिक थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनके दादा 14 भाई बहन थे और बंटवारे के बाद अदार के पिता साइरस पुनावाला के हिस्से में करीब 40 एकड़ जमीन आई थी। इस जमीन पर उन्होंने घोड़े पालने और इसकी ब्रीडिंग का काम शुरू किया। इसी दौरान साइरस मुंबई के एक सरकारी संस्थान को अच्छी नस्ल के घोड़े भी सप्लाई करने लगे। दरअसल घोड़ों के ब्लड सीरम से टिटनेस और सांप के काटने से बचने की वैक्सीन तैयार होती थी। इसी दौरान उनके दिमाग में आया कि घोड़े सप्लाई करने की जगह क्यों ना हम ही वैक्सीन तैयार करें। इसके बाद साइरस पुनावाला ने साल 1966 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की। ये वो दौर था जब भारत में ज्यादातर वैक्सीन विदेश से आयात की जाती थी। देखते ही देखते सीरम इंस्टीट्यूट एक के बाद एक बीमारियों की वैक्सीन बनाने लगा और कंपनी मुनाफा कमाने लगी। फिलहाल 79 साल के साइरस पुनावाला भारत के 6वें सर्वाधिक पैसे वाले शख्स हैं और द टाइम्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति करीब $12 बिलियन की है। 90 के दशक में उन्होंने अपने बेटे अदार को पढ़ने के लिए कैंटबेरी के सेंट एडमंड्स स्कूल में भेजा। स्कूलिंग के बाद अदार ने वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। अपनी पढ़ाई पूरी करके अदार पुनावाला भारत लौटे और फिर सीरम इंस्टीट्यूट की सेल्स टीम के साथ जुड़ गए। इसके बाद अदार पुनावाला ने वैक्सीन का लागत मूल्य घटाने, प्रोडक्शन बढ़ाने और इंटरनेशनल मार्केट बनाने पर ध्यान दिया। उनकी टैक्टिक्स काम आई और आज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 170 देशों को वैक्सीन की सप्लाई कर रही है और इसकी रेवेन्यू $800 मिलियन से भी ज़्यादा है। इतना ही नहीं, सीरम इंस्टीट्यूट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के साथ पार्टनर भी है। अदार पुनावाला की पत्नी नताशा पुनावाला भी इनके बिजनेस में इनकी मदद करती है और सीरम इंस्टीट्यूट का कामकाज देखती हैं। नताशा पुनावाला सीरम इंस्टीट्यूट की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और अदार पुनावाला के साथ कंपनी की बिजनेस हैंडल करती हैं। अदार पुनावाला की पत्नी नताशा ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स की डिग्री हासिल किया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।